स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के पैडागॉजी ऑफ हिस्ट्री विषय के अंतर्गत हम लोगों ने विभिन्न इतिहासकारों का इतिहास में योगदान टॉपिक प्रारंभ किया था। उसमें कल हम लोगों ने हेरोडोटस को देखा था। अब आज हम कर्नल जेम्स टॉड के इतिहास में योगदान को देखेंगे। कर्नल जेम्स टॉड जिनको कि कर्नल जेम्स टॉड के नाम से हम लोग जानते हैं। कर्नल जेम्स टॉड यानी कि शब्द कर्नल, इसी से हमको स्पष्ट हो जाता है कि इनका सेना से संबंध रहा होगा या इनका संबंध सेना से होगा। ये एक ब्रिटिश नागरिक थे। इनका जन्म इंग्लैंड में सभी राज्यों को
बेशक वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थक थे, उन्हीं के अधिकारी थे, जो भी कार्य करना था उसी के माध्यम से उन्हीं के उसने करा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने राजपूतों को क्योंकि उस समय राजस्थान में राजपूतों का ही शासन था, इसीलिए समस्त राजपूत शासकों को अपने विश्वास में लेकर ही कार्य किया। और यही कारण था कि जिस समय जनरल लॉर्ड राजस्थान में थे उस समय उन्होंने राजस्थान के इतिहास को राजस्थान के इतिहास को पुनर्लेखन किया। अब पुनर्लेखन करने के लिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने राजस्थान के इतिहास से संबंधित कई स्रोतों को सामग्री का उन्होंने संकलन किया, जैसे कि अभिलेख स्रोत या उनकी जो सामग्री थी उसमें क्या था, अभिलेख थे, सिक्के थे, ऐसी बहुत सारी सामग्री थी जिनका उन्होंने संकलन किया। इस सामग्री का उन्होंने क्या किया, संकलन किया और इसके बारे में विचार विमर्श किया, इनके संबंधित समस्त सूचनाओं को एकत्रित करके और एक परिणाम किया, एक नए इतिहास यानी कि इतिहास से संबंधित समस्त तथ्यों को एक क्रमबद्ध और सही व्यवस्थित रूप प्रदान करने का इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने अपने कार्य का जो केंद्र बनाया, जो कि ये यहाँ राजस्थान के अधिकारी थे तो निश्चित है कि इनको यहाँ पर एक समस्त क्योंकि इतिहास का अध्ययन कर रहे थे तो उनको एक शांत और एक सुव्यवस्थित स्थान की आवश्यकता थी, जिसके कारण उन्होंने उनके कार्यों से प्रभावित होकर और उन्होंने एक जो स्थान कर्नल टॉड ने वो कर्नल टॉड ने जो इससे संबंधित रखा कि उन्होंने अजमेर के आसपास एक गांव था, उस स्थान पर वो स्थान उन्हें प्राकृतिक रूप से बड़ा पसंद आया और वहां पर उन्होंने राजा राणा भीम सिंह से वहां एक अपना किला बनाने का निवेदन किया। और भीम सिंह चूंकि उनके समर्थक थे, उन समर्थक क्या है, उनके कार्यों से बड़े प्रभावित थे और इसी कारण उन्होंने वहां पर कर्नल टॉड के लिए एक महल, छोटे से महल का निर्माण किया और टॉड के वहीं उसी महल में रहकर और अपना समस्त कार्य किया, यानी कि समस्त इतिहास से संबंधित जितने भी स्रोतों का संग्रह किया, संकलन किया, उनको उन्होंने यहीं पर एकत्रित किया। और चूंकि भीम सिंह बहुत उससे प्रभावित थे अतः उन्होंने उस गांव का नाम टाटगढ़ रखा, जो वर्तमान में टाटगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो अजमेर जिले का एक अंग है। अब अजमेर जिले में है, उस समय ये मेवाड़ में हुआ करता था लेकिन अब वो शहर अजमेर जिले में है, इसीलिए उसको टाटगढ़ के नाम से कर्नल टॉड के ऊपर उसका नामकरण किया गया। अब यहाँ पर चूंकि ये इतिहास से संबंधित समस्त सामग्री को एकत्रित करके अपने साथ में इंग्लैंड में ले गए, यानी कि 5 वर्ष तक ये राजस्थान में रहे और 5 वर्ष तक उन्होंने राजस्थान के इतिहास से संबंधित जितने भी स्रोत सामग्री जितनी भी थी सभी को एकत्रित किया और अपने साथ वो इंग्लैंड लेकर चले। इंग्लैंड लेके गए और वहां पर उन्होंने हर चीज का विश्लेषण संश्लेषण करके एक विचारात्मक दार्शनिक दृष्टिकोण से उनका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद 1829 में उन्होंने इससे संबंधित कुछ पुस्तकों को लिखा और इसके परिणाम जिसको कहते हैं वो परिणाम निकल कर आए। इस समय जो इनकी जो राजस्थान के इतिहास पर लिखी गई 2 पुस्तकें हैं जो सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन कौन सी है, पहली एनल एनल्स एंड
एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और दूसरी जो उनकी पुस्तक थी वो थी सेंट्रल एंड वेस्टर्न सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। ये दो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी जिन्होंने भी उन्होंने राजस्थान क्योंकि उन्होंने वो
पूर्वाग्रह पर आधारित इतिहास लेखन किया है। आशा करती हूँ कि मेरी बात समझ में आई होगी। जेम्स स्टॉट का राजस्थान के इतिहास के भारतीय इतिहास लेखन में क्या योगदान रहा है, आपको इसी पर आधारित हमको प्रश्न करना है। कर्नल जेम्स टॉड का इतिहास में योगदान को स्पष्ट कीजिए। कर्नल जेम्स टॉड के इतिहास में योगदान को स्पष्ट कीजिए कि कर्नल जेम्स टॉड ने इतिहास में किस प्रकार से अपना योगदान दिया, क्यों ये इतिहासकार कहलाते हैं। अपनी बात को समाप्त करने से पहले, COVID-19 की महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए। बहुत आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए, क्योंकि इस समय अब जो महामारी का जो फैलाव है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। इसीलिए अपने आप को सुरक्षित रखने का यही एक उपाय है कि आप अपने आप को घर में रखिए। अत्यधिक आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर या कपड़ा बंद कर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लोगों से बातचीत करते समय 2 गज की दूरी आवश्यक रूप से बनाए रखें। हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। स्वयं को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।